हेलो बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आ गई है। हिंदी की दो बैलों की कथा वर्कशीट नंबर 5 और तारीख है 15 जुलाई 2020। दो बैलों की कथा अगर आपको याद हो तो दो बैलों की कथा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा परिचय मैं दे देती हूँ। दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में हमेशा से माहिर रहे हैं। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसे जगाया कैसे जगाया जाए, क्या समझाया जाए, ये उनको अच्छी तरह आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा में ये संदेश दे रही है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, कोई भी जानवर हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार होती है। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ये हमारे अधिकार हैं। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबसे बड़ा सबका अधिकार है। उसे बनाए रखने के लिए ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखते हैं। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ये कहानी दो बैलों के बीच घनिष्ठ भावात्मक संबंध को भी दर्शाती है। ये कहानी मनुष्य और जानवर के बीच उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्रण भी प्रस्तुत करती है और बहुत ही सुंदर और मार्मिक तरीके से उस संघर्ष को दर्शाया गया है। उस संघर्ष की परिकल्पना की गई है जो उन बैलों ने किया होगा अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए। चलिए अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज पर, जहाँ पर दो बैलों की कथा से ही एक वर्कशीट दी गई है। सबसे पहली वर्कशीट है बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। यहाँ पर जो ही और भी शब्द है ये किसी भी बात पर जोर देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम निपात कहते हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है। अब हम आपको ऐसे 5 वाक्य छाटने हैं अपनी पुस्तक से जिसमें निपात का प्रयोग हुआ है। इसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि छाया भी दिखाई न देगी में भी है, छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, इसमें ही शब्द है, ज़्यादा से ज़्यादा बोझ में से, और बेगानों से लगते थे में से। यहाँ पर ये सब निपात के तरह प्रस्तुत हुए वाक्य हैं, जहाँ पर आपको निपात शब्द को अंडरलाइन करना है, उस वाक्य में से छांटना है। चलिए अगले एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अगली एक्सरसाइज कहती है दो बैलों की कथा में पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। चलिए हिम्मत हारना। हिम्मत हारना क्या होता है? निराश होना। आपको जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हारने के बाद जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। टकटकी लगाना, किसी भी चीज़ को घूरते रहना, निरंतर देखते रहना बिना पलक झपकाए। लंबी सड़क को वह इंसान टकटकी लगाकर देखता रहा। जान से हाथ धोना यानी मर जाना। कई बार खतरे के कोई भी खतरनाक काम करते हुए आपको खतरा होता है कि आप कहीं अपनी जान से हाथ धोना बैठें। ईंट का जवाब पत्थर से देना। जब चाइना ने भारत पर हमला किया, चीनी सैनिकों ने भारतीयों पर हमला किया, तो भारतीय सैनिकों का ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दांतों पसीना ना, बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। यहाँ पर ये सारे शब्दों की जो एक्सरसाइज है वो आपको बाद में मिल जाएगी। मैं विद सॉल्यूशन आपको वो दे रही हूँ वर्कशीट, जिसमें आप लिख सकते हैं आप। चलिए अगला है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि सामाजिक सुगंधित, ये है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग शब्द वो होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और उसका शब्द का बदल देते हैं। ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। आपको खुद ऐसे शब्दों को छांटना है पुस्तक से, अपने पाठ से, जहाँ पर प्रत्यय शब्द को यानी कि इन शब्दों को कहीं से अलग किया जा सकता है, इन शब्दों का से जोड़कर बनाया गया, जैसे कि सामाजिक और सुगंधित। इन्होंने ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। बाकी एक्सरसाइज आपको पीछे दी गई है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत सुंदर चित्रण है। एक बार इस पाठ को ज़रूर पढ़िएगा और इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप लिसनिंग टू द वीडियोज़। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।